हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दंतेश्वर रसोई रेसिपी। आज हम आपको हलवाई की जैसी एकदम कुरकुरी रसीली जलेबी बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चीनी, इलायची पाउडर, येलो फूड कलर, ये आधा लिया है, आपको कोई भी मिठाई की दुकान पर आसानी से मिल सकता है। 250 ग्राम मैदा लिया है और बैटर लगाने के लिए गुनगुना पानी। आइए बैटर लगाना शुरू करते हैं। बैटर लगाने के लिए मैदे में हम आधे को डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम स्मूथ बैटर लगाकर तैयार करेंगे। बैटर में ज़्यादा लम्स नहीं होने चाहिए। इतना बैटर लगाने में हमें लगभग 250 ml पानी यूज़ किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसे ढककर 24 घंटे के लिए रख देते हैं। 24 घंटे हो गए हैं, बैटर को हम चेक कर लेते हैं। बैटर हमारा एकदम फूल कर रेडी है। अब हम इसमें येलो फूड कलर डाल देते हैं और चम्मच से थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो चाशनी में भी कलर डाल सकते हैं। बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। चम्मच से गिराकर देख लिए, एकदम इस तरह का बैटर होना चाहिए। इसे ढककर रख देते हैं और चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। 500 ग्राम चीनी में हमने 300 ml पानी डाला है। इसे लगातार चलाते हुए इस तरह की चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्लेवर के लिए हमने इलायची पाउडर लिया है, इसमें डाल देंगे। जलेबी बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है। आप इसकी जगह से तवाई, डीप पैन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चाशनी में से जलेबी निकालकर हम इस तरह जाली में रखेंगे। तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है और जलेबी बनाने के लिए स्पेशल कपड़ा आता है, ये हमने लिया है। आप चाहे तो कोई भी सॉस की बोतल, पॉलीथीन बैग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े को हम इसमें रखेंगे और थोड़ा पानी छिड़क देंगे, जिससे कपड़ा मुलायम हो जाएगा। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। कपड़े को इस तरह चारों तरफ से उठाकर घड़ी कर लेंगे और इस तरह से मोड़कर पकड़ेंगे। जलेबी को पलटने के लिए हमने ये चिमटा लिया है। थोड़ा बैटर डालकर तेल को चेक कर लेते हैं। तेल हमारा एकदम रेडी है। अब हम इसमें जलेबी बनाएंगे। इस तरह हाथ से दबाते हुए गोल गोल जलेबी बनानी है। हाथ को हमें थोड़ा नीचे ही रखना है।
तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए और इस तरह चमटे से हिलाते हुए दोनों तरफ पलटकर अच्छी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। जलेबी हमारी दोनों तरफ से अच्छी क्रिस्पी होने आई है। अब हम इन्हें निकाल कर चाशनी में डुबाएंगे। हमें चाशनी में डालकर जलेबी को दबाते जाना है। इस तरह दबाते हुए जलेबी को हम निकाल कर जाली स्टैंड में रख देंगे और इसी तरह से सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। जलेबी बनाते समय ध्यान रहे तेल एकदम अच्छा गरम होना चाहिए। जलेबी को डालते ही एकदम ऊपर आ जानी चाहिए। यदि तेल आपका ठंडा होगा तो बैटर अंदर फैल जाएगा और अच्छे से जलेबी नहीं बनेगी। और जलेबी को पलटने के लिए इसी तरह के चिमटे का यूज़ करें ताकि जलेबी अच्छे से पलट सके और निकाल सके। हमारी सारी जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।